स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 सीबीएसई का क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन करूंगा। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द पार्ट्स। हालांकि इस चैनल पे अभी मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करता था, यूपी बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का भी, लेकिन कुछ ऑडियंस ने मैथ पढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा, तो मुझे भी ये उचित लगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो मैथ भी आपका एक सब्जेक्ट होगा ही और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसका मेजरमेंट रखना है 7.6 सेंटीमीटर का। तो एक हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का ये हमारा लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर का बन चुका है। इसका नाम हम रख रहे हैं ए बी। अब हम ए या बी में से किसी भी पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल के बारे में आप जानते ही होंगे, 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। इस एक रे ड्रा की जाएगी जो लाइन सेगमेंट ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी के साथ एक एक्यूट एंगल बना रही होगी। अब हमें ए बी को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, इसलिए हम इस रे जिसका नाम है ए एक्स, इस रे को पॉइंट ए से इक्वल पार्ट में बांटना शुरू करेंगे और 13 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि 5:8 रेशियो में हमको ए बी को डिवाइड करना है और 5 और 8 का सम होता है 13। अब हम यहां से पहला आर्क लगाएंगे। आर्क अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी मेजरमेंट का ले सकते हैं, ताकि जो रे आपने बनाया है उस पर 13 आर्क सुविधा अनुसार लग जाए। कोई निश्चित डिस्टेंस नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सारे आर्क इक्वल हों, आर्क की लेंथ ना बढ़ने पाए और ना ही घटने पाए। इस तरह से 13 आर्क लगाने हैं। 4 आर्क लग चुके हैं, ये आर्क नंबर 5 और ये 6। ये आर्क नंबर 7, ये आर्क नंबर 8। जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहा होगा लाइन सेगमेंट को, वहीं पे आप अपने कंपास का नीडल रखेंगे और ठीक उसी आर्क से जो डिस्टेंस आपने ले रखा है अपने कंपास में, ठीक उसी डिस्टेंस से आपको अगला आर्क लगाना है, ताकि डिस्टेंस इक्वल आए। ज्योमेट्री में एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत होती है। आप कोई चीज़ कितना एक्यूरेट बना पा रहे हैं या कितना एक्यूरेसी के साथ अपनी बात कह पा रहे हैं, कितना अच्छा लॉजिक दे रहे हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, ये सब चीज़ें ज्योमेट्री में दिखती हैं और ज्योमेट्री इन चीज़ों को पॉलिश भी करता है। कितने आर्क हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अभी सारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक नाम दिया जाएगा,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, और लास्ट में A13। अब जो पॉइंट A13 मिला है हमें, वहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो AB को B पे टच करेगी, या B A13 लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। अब जो लाइन सेगमेंट सामने है बी ए थर्टीन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है पॉइंट ए फाइव से। तो लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, तो पैरेलल लाइन के एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे अगर हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर बना दें, क्योंकि इस लाइन को, इस रे को अगर हम एक ट्रांसवर्सर की तरह माने, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर ए फाइव पर एंगल बनाए, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और जो लाइन बनेगी वह ए थर्टीन बी के पैरेलल होगी। तो लाइन के बराबर एंगल के बराबर एंगल बनाना आपको आता ही है। एक आर्क लगाना है उस एंगल पर जिस पे जिसके बराबर आप एंगल बनाना चाहते हैं, और फिर शायद थोड़ा चेंज हो गया है इसलिए मैं फिर से आर्क को मेजर करूँगा, क्योंकि डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। अब ठीक इसी डिस्टेंस का एक आर्क लगाया जाएगा ए फाइव से। अब इसका जो डिस्टेंस है दोनों साइड्स, दोनों आर्म्स के बीच का, उसको मेजर करते हुए एक और आर्क लगा लेते हैं, और उतना ही आर्क हमको लगाना है इस पॉइंट से जो लास्ट आर्क का इनिशियल पॉइंट है रे ई एक्स पर, वहाँ पे निडिल रखते हुए हमको एक आर्क लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ई फाइव से एक लाइन ड्रा करेंगे आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होते हुए जो लाइन ए बी को दो पार्ट में बांट रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हम रख रहे हैं डी। तो हमारे दो पार्ट हो चुके हैं ए बी के, पहला है ए डी और दूसरा है डी बी, और दोनों ही 5:8 के रेशियो में हैं। इसको ज़रा मेजर करके देख लिया जाए कितना आ रहा है, ये लगभग 3 के आसपास आ रहा है, अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। और ये 3 सेंटीमीटर का हो गया तो बचा हुआ 4.6 के आसपास आएगा, तो DB की जो लेंथ होगी वो 4.6 अप्रॉक्स होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है मेजर द पार्ट्स। और न जाने क्यों मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर इस क्वेश्चन से संबंधित, किसी ने पार्ट को मेजर करके नहीं दिखाया है। मेरे समझ से ये पहली वीडियो है जहाँ पे आप पार्ट को मेजर करके देख रहे हैं। अब आपको स्टेप भी लिखने होते हैं अनिवार्य रूप से। स्टेप लिखना बहुत ही आसान होता है, आपने जो किया है बस वही लिख दीजिए। सबसे पहले ये भी ड्रा किया गया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी
इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। स्टेप वन हो गया। स्टेप टू, उसके बाद हमने ए से एक एक्यूट एंगल बनाया है। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल फ्रॉम ए। By drawing a ray AX। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो पार्टीशन का है। मेक 13 इक्वल पार्ट्स ऑन AX such that AA1 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 and so on or up to A12 to A13। ये हमारा तीसरा स्टेप हो चुका है। हम चौथे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4, यहां पे हमने A13 को B से मिलाया है। ज्वाइन A13 टू B। अब हम आएंगे स्टेप 5 पर। फ्रॉम, अब हम पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे B13 के। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट E5D पैरेलल टू A13B। नाउ वी हैव AD एंड DB इन रेशियो ऑफ 5:8। मेजर करने पर AD 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ रहा है और DB 4.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ रहा है। और यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन भी देना होता है कि जो आपने बनाया है वो सही है। जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन, अब जो हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AB A13, इसमें A5D पैरेलल है A13B के, इसलिए छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल A5D सिमिलर ट्रायंगल। AB A13 सिमिलर ट्रायंगल है तो BPT से हम कह सकते हैं कि इसके जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं। देयरफॉर AD बाई AB इज इक्वल टू DB5 by BA13 इज इक्वल टू AA5 by AA13।
और ए फाइव मतलब है फाइव पार्टीशन, और ए थर्टीन का मतलब है थर्टीन पार्टीशन। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, हमको ई ए फाइव बाई ए फाइव ए थर्टीन लिखना है। तो ए फाइव से थर्टीन तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो एट का है, एट पार्टीशन है, तो फाइव बाई एट। ए डी बाई डी बी, नहीं यहाँ पे भी मैंने गलती किया है, ए डी बाई डी बी हमको लिखना है, ए बी बाई डी बी इजकल टू डी, कितनी गलतियाँ हुई हैं, डी ए फाइव, डी ए फाइव बाई बी ए थर्टीन, और अगला है ए ए फाइव बाई ए फाइव ए थर्टीन। ए फाइव ए ए फाइव है फाइव पार्टीशन का, और ए फाइव ए थर्टीन है एट पार्टीशन का। तो इस तरह से जस्टिफाइड हो जा रहा है कि ए डी, ए डी और डी बी में फाइव टू एट का रेशियो है। देयरफोर ए डी बाई डी बी इजकल टू फाइव बाई एट।